2024 के एंड तक, दिसंबर तक जो है इनको बचाव करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कोई ना कोई सदका करते रहना चाहिए, ताकि ये बचत इनके लिए ना सिर्फ बचत हो बल्कि इनके मामलात बेहतर हों। इसके लिए मैं एंड पे अमल बताऊंगा, पढ़ाई बताऊंगा और सदका भी बताया जाएगा। तो जो लोग ये करेंगे वो सदकीना के असरात हैं, रिलेशन में प्रॉब्लम है याद करनी है, और मैं जो अमल बताऊंगा वो तो जरूर करना है। तबीयत खराब, ब्लड के इश्यूज, सेहत के इश्यूज, नेगेटिविटी, किसी काम में हार डालेंगे वो काम नहीं होगा बल्कि कामों में रुकावट रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और रूहानियत के वाले से भी बड़ा ज़बरदस्त इल्म रखते हैं। आज का टॉपिक एक बार फिर अल्फाबेटिकल, जो लोग हैं हमसे राबता करते हैं, पूछते हैं कि जी हमारा अल्फ़ाबेट का अच्छा टाइम कब आएगा। लेकिन आज का जो मौजू है वो ख़ास तौर पर फीमेल्स के हवाले से है, उन लड़कियों के हवाले से है जो एजुकेशन कर रही हैं या हाउस वाइफ हैं या कुछ भी अपने काम कर रही हैं, उनके अल्फ़ाबेट्स के हवाले से जो लोग कहते हैं जी बुरे असरात हैं, बुरी नज़र है और नेगेटिव एनर्जी ने उनको घेरा हुआ है, वो कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। आज दाऊद जी, दाऊद हमारे साथ हैं और ये 2024 जब ख़त्म होगा तो ये असरात तब तक इनके साथ रहेंगे, लेकिन वो ख़ास अमल दाऊद जी दाऊद प्रोग्राम के एंड पर बताते हैं जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम होगी, नेगेटिव एनर्जी आपको तंग करेगी, उसका हल निकल आएगा। आइए जानते हैं वो कौन से अल्फ़ाबेट हैं फीमेल्स के ख़ास तौर पर जिन पर नेगेटिव असरात रहेंगे, अगर वो ये अमल कर लेंगी तो वो उनके लिए ये जो प्रॉब्लम आ रही है या 2024 के बुरे असरात, नेगेटिव एनर्जीज या बुरी नज़र जो होती है जो इनको प्रॉब्लम में लेकर आती है, तो उसके हल के लिए बताएंगे प्रोग्राम के एंड पे। पहले अल्फाबेट्स पूछते हैं कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई सबसे पहला अल्फाबेट बताएं कौन सा जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी, और ये 2024 खत्म होते तक, लास्ट दिसंबर के लास्ट डे तक ये आ सकती है एनर्जी इनके ऊपर? ये रहेगी 2024 के एंड तक, दिसंबर तक जो है इनको बचाव करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कोई ना कोई सदका करते रहना चाहिए, ताकि ये बचत इनके लिए ना सिर्फ बचत हो बल्कि इनके मामलात बेहतर हों। इसके लिए मैं एंड पे अमल बताऊंगा, पढ़ाई बताऊंगा और सदका भी बताया जाएगा। तो जो लोग ये करेंगे वो इस जादू की एनर्जी, बाद असरात की एनर्जी, नजर बद की एनर्जी, शैतानी असरात, नेगेटिव ऑरा और हर वो नेगेटिव चीज़ जो कि आपके मामलात ख़राब करती है उससे बचने की एनर्जी को है वो डिफाइन करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला अल्फाबेट आपकी नज़र में कौन सा है जो आप समझते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का साया जो होगा वो रहेगा? ए वाली खवातीन जो है वो नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो सकती हैं, मजूसी आ सकती है, अकेलेपन का शिकार हो सकती हैं, हासदीन के हसद से जो है वो महफूज नहीं रहेंगी और लोग इनको लेग पुलिंग करेंगे, इनको नुकसान पहुंचाएंगे, इनके रूहानी मामलात में नुकसान पहुंचाएंगे, इनकी इनके ऊपर अमल हो सकता है, इनके ऊपर जादू के असरात आ सकते हैं, तो ए वाली खवातीन को एहतियात करनी चाहिए, सबसे ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, वो एंड पे जो अमल बताएंगे ये उन्होंने करना जी, वो उसके बाद कौन सी? उसके बाद है बी वाली खवातीन, बी वाली, बे वाली, जिनका बे से नाम स्टार्ट होता है, दी डेविल की एनर्जी है, शैतान की एनर्जी है और सेहत के मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे, जादू के असरात नजर आते हैं, शैतानी असरात नजर आते हैं और नेगेटिव चीज़ों में फंस सकते हैं, नेगेटिव ऑरा इनके गिर्द रहेगा तो ये परेशानी का सामना कर सकती है। इन्होंने भी बचना है जी और अमल करना है, अमल करना। उसके बाद कौन सी? उसके बाद है डी वाली खवातीन, डी दाल से जिसका नाम स्टार्ट होता है, उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर रहेगा और शैतानी असरात, बद असरात और ऐसे काम कर लेंगी जिनकी वजह से उनकी बदनामी हो सकती है, मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं और हसद, बुगद और कीना का शिकार हो सकती है। डी से जिनका नाम स्टार्ट है, इन्होंने भी वो अमल करना है। इन्होंने ई वाली कौन सी? ई वाली खवातीन है जी, ई वाली खवातीन जो है उनके ऊपर भी, अच्छा नेक्स्ट ई था, हाँ जी, ई वाली खवातीन जो है उनके ऊपर भी नेगेटिविटी रहेगी और बद असरात रहेंगे, टेंशन रहेगी, गुस्सा बहुत आएगा, जज्बाती नजर आती हैं, जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला करेंगे जिससे नेगेटिविटी हो सकती है, और तख्त या तख्ता वाली पोजीशन ना करें, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें और ये नेगेटिव ऑरा के गिर्द आ सकती है, इनके ऊपर बद असरात, इनकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, जिनका नाम ई से स्टार्ट होगा। अच्छा, और इनको भी अमल करना होगा। इसके बाद कौन सी? एम वाली, एम से जिनका नाम वाली, एम वालों को कोई ऐसी हैरान कन खबरें
ملنا شروع ہو سکتی ہیں, ان کو خواب آ سکتی ہیں, خواب میں انٹیوشنز, خبر اور نیگیٹو اورا, بد اثرات, عمل کوئی کر سکتا ہے اور شیطانی اثرات نظر آتے ہیں. ان کے ریلیشن میں پرابلم آ سکتی ہے, ان کی روحانی زندگی میں پرابلم آ سکتی ہے, ان کو پرابلم کا فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. اچھا, تو یہ بھی احتیاط کریں. یہ بھی احتیاط, انہوں نے سب سے زیادہ ریلیشن میں احتیاط کرنی. جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سا ہے؟ جے والی خواتین, جے سے جس کا نام سٹارٹ ہو, جو جے والی خواتین پراپرٹی دینا چاہتی ہیں بالکل نہ لیں, انویسٹمنٹ نہ کریں, بد اثرات ہیں, نیگیٹیوٹی ہے, شیطانی اثرات ہے اور بغض حسد کینہ کے اثرات ہیں, ریلیشن میں پرابلم ہے, تو جے والی کو بھی احتیاط کرنی ہے. اور میں جو عمل بتاؤں گا وہ تو ضرور کرنا ہے جے والیوں نے. جے والیوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کون کے والی لڑکیاں, کے والی, کے والی لڑکیاں, لڑائی جھگڑا رہے گا, غصہ رہے گا, پریشر رہے گا, ٹینشن رہے گی اور نیگیٹیوٹی کا اثر رہے گا, پرابلم سے ان کے معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے. تو یہ اپنے معاملات سے متعلقہ احتیاط برتے ہیں. جن کا نام کے یا کاف سے سٹارٹ ہوگا. کے والے. اچھا, یہ 2024 جب ختم ہوگا اس کے بعد سے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ 2024 کے اینڈ تک ان کی انرجی رہے گی. اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ہم صرف فیمیلز کا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کون؟ اینڈ والی خواتین. اینڈ والی, گزرے ہوئے وقت ماضی کی طرف جانا, جھانکنا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا مگر پیچھے چلے جانا, نظر لگنا, نظر کے اثرات, طبیعت کا خراب رہنا, کام کرنے کو دل نہ کرنا, بے چینی رہنا اور بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہو جانا, روحانی چیزیں ڈسٹرب ہو جانا, ظاہری چیزوں میں پرابلم رہنا. تو این والی خواتین 2024 کے اینڈ تک نیگیٹو انرجی کا شکار رہیں گی. رہ سکتی ہیں. رہ سکتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سی؟ او والی. او سے جس کا نام سٹارٹ ہوتا ہے. او والی جو ہیں وہ تعویذات کا شکار ہو سکتی ہیں, لوگوں کی نظر کا شکار ہو سکتی ہیں, حسد کا شکار ہو سکتی ہیں, تو ان کے اوپر بھی نیگیٹو اثرات نظر آتے ہیں. انہوں نے بھی احتیاط کرنی ہے. کن چیزوں میں؟ اور ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہے, تمام معاملات میں ڈسٹرب ہے. کس چیز میں؟ مطلب روحانیت کی بات ہے, اسپریچولیٹی کی بات ہے. ان کی روحانیت خراب ہوگی تو ساری باتیں ان کی ہیلتھ بھی خراب ہوگی. اس کے بعد کون سی؟ پی والی خواتین. پی سے جس کا نام. جی, پی والی کے اوپر تو باقاعدہ عملیات ہوں گے, نظریں رکھی جائیں گی, ان کے اوپر پریشر پڑ جائے گا اور بہت سٹرگل کریں گی بچنے کی, لیکن نیگیٹو اثرات کے زیر سایہ رہیں گے. اچھا, یعنی پی والیوں کے لیے یہ چیز ہے. اور کیو؟ کیو والے نیکسٹ. کیو نیکسٹ کیو ہے جناب. اور وہ اصل میں ریڈنگ نکالی ہوئی ہے نا, تو میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں. کیو والوں کی جو ہے ان کی تو وہ تو ڈسہارٹ نظر آتی ہیں, نیگیٹیوٹی کا شکار نظر آتی ہے, ان کی دلی خواہشیں ٹوٹ سکتی ہیں, ان کا صحت کا مسئلہ, ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور باقاعدہ ان کے اوپر عملیات اور پڑھائیاں ہو سکتی ہیں, ان کو بچ کے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آر والی. آر رے والی. جی, آر والی کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آئے, مگر یہ 50-50 زیادہ اثرات نہیں ہوں گے آر والیوں کے اوپر, لیکن زیر سایہ رہیں گی نیگیٹو اثرات کے اور شیطانی عملیات کے اور بد اثرات کے, تو آر والیوں کو بھی احتیاط کرنی ہے. اچھا, سب سے زیادہ. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد یو والی خواتین. یو والی نہ, ان کی رات کی انرجی تو بہت ہی ڈاؤن رہے گی 2024 کے اینڈ تک, بد اثرات, شیطانی اثرات, سوچیں, پریشانیاں اور رشتوں میں نہیں ہاتھ ڈالنا, کوئی منگنی بیاہ کے معاملات احتیاط سے کرنے, استخارہ کر لینا ہے, تو یو والیوں کے صحت اور روحانیت دونوں میں ڈسٹربنس نظر آتی ہے. اچھا جی, ان میں پرابلم رہے گی. پرابلم اس کے بعد وائی والی خواتین, بندش لگ سکتی ہے, جسم بن سکتا ہے, سر درد, طبیعت خراب, بلڈ کے ایشوز, صحت کے ایشوز, نیگیٹیوٹی, کسی کام میں ہار ڈالیں گے وہ کام نہیں ہوگا بلکہ کاموں میں رکاوٹ رہے گی, شیطانی اثرات نظر آتے ہیں اور اس میں آپ کے قریبی حاسدین کا ہاتھ نظر آتا ہے, جو بھائی والے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد زیڈ والی خواتین. زیڈ والی, اچھے والے کام ہوتے ہوتے رک جائیں گے, نیگیٹیوٹی آئے گی اور سارا کچھ صحیح ہوگا لیکن اچانک سب کچھ اپنے ہاتھ سے گما بیٹھیں گی, تو بد اثرات ہیں, شیطانی اثرات ہیں, نیگیٹیوٹی کی شکار ہے. اچھا, دوستو جن کا نام نہیں لیا آپ نے, وہ سیف ہے؟ وہ کافی حد تک سیف ہے, ان کی پوزیٹیو انرجی ہے, مگر یہ جو خواتین ہیں جیسے ان کو احتیاط کا آپ نے نہیں نام لیا, وہ اور بھی ان کی انرجی پوزیٹیو ہے. یہ انرجی جو ہے وہ نیگیٹو انرجی کے, یہ الفابیٹ جو ہے نیگیٹو انرجی کے پریشر میں ہو سکتے ہیں, ان کے اوپر اثرات آ سکتے ہیں, ان کو احتیاط کرنی چاہیے, ان کو پڑھنا چاہیے اور اپنی پڑھائیوں سے اور اپنی روحانیت سے یہ اس نیگیٹیوٹی سے بچ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں ان کو کارڈز کی انرجی جن جن نیگیٹو نکلے ان کو کیا دے رہی ہے؟ اچھا, اے والوں کی نیگیٹو انرجی میسج دے رہی ہے جناب یس کا,
यानी यस मतलब कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, और बी वालों की एनर्जी दे सकती है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन करनी चाहिए। डी वाली एनर्जी को मैसेज जा रहा है जनाब पीसफुल रेजोल्यूशन, और ई वाली की एनर्जी का मैसेज है लिसन इन योर इंट्यूशन, अंदर का सुने, और एम वाली एनर्जी है नॉट द राइट टाइम, और जे वालों की एनर्जी का मैसेज है बिग हैप्पी चेंजेस, और ये देखें यहाँ पे भी इसका पॉजिटिव वैसे एनर्जी है, वैसे एनर्जी है। हाँ, तो बिग हैप्पी चेंजेस, और के वालों की एनर्जी मैसेज दे रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और यहाँ पे एन वालों की एनर्जी का मैसेज है कि सूरत हाल को मोहब्बत से डील करें, और ओ वाली एनर्जी का मैसेज है लुक फॉर अ साइन, और पी वालों की एनर्जी का मैसेज है जनाब आस्क योर एंजल्स, और क्यू वाली जो है वो डोंट स्टॉप, और आर वाली एनर्जी का मैसेज है जनाब स्टॉप था क्यू का, हाँ जी डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, हाँ जी, और इन द नियर फ्यूचर आर वाली के, और यू वाली को मैसेज दे रहे हैं इम्प्रूविंग हेल्थ। देखें यू और उनका सेम है, ये देखें यू का जो रीडिंग निकाली थी इनका कार्ड भी अब देखें बेड पे और हेल्थ का, ये यू वालों के लिए हेल्थ इंप्रूव, और वाई वालों का जो है मैसेज है लेट गो, लेट गो, फंसे हुए हैं लेट गो, हिम्मत करें निकलें, और जेड वालों का मैसेज है जनाब अनलाइकली, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज आपने देखी नाजरीन ये फीमेल्स के ऊपर असरात, और ये बहुत सी खवातीन पूछती हैं ये दाऊद भी क्या होता है ये कहते हैं ना यूनिवर्सल है, कायनात है, कायनात पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दे रही होती है, और वो ये एनर्जी जो है कायनात में हर बंदे के ऊपर पड़ रही होती है, और जो बंदा इस एनर्जी के जेरे साया आता है उसको, कई लोगों को जिस तरह कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के पैसा मिल जाता है, कई लोग किसी काम में हाथ डालें कामयाबी मिल जाती है, कई लोग फकत मेहनत करते हैं कमाई करते हैं और पैसा उजड़ जाता है, हालात खराब हो जाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का ऑरा है, ये शैतानी असरात का ऑरा है, बद असरात का ऑरा है, और नजरे बद का ऑरा है, तो जो इन अल्फाबेट के जेरे साया है वो इस शैतानी ऑरा के जेरे साया होके अपने मामला खराब कर सकते खराब कर सकते हैं, उसे बचने का अमल हो सकता है। वो अमल बता दें ताकि ये जो अल्फाबेट आज बताए हैं ताकि वो बच सकें, ये डिस्कस करने का मुझसे डराना नहीं है, इसका हल निकालना है, इसका हल बताए। अच्छा जी, इसका हल ये है कि इस ऑरा से बचने के लिए अगरबत्ती का अमल है, और अगरबत्ती का अमल जो है वो 11 दिन का है, 11 अगरबत्तियां लेनी है, और 11 दिन कर लो या 3 दिन कर लो या 1 दिन कर लो, 1 दिन की एनर्जी को जो है वो उसकी पढ़ाई है, 1 दिन की एनर्जी की 1100 मर्तबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के अगरबत्तियों पे फूंक मार के उनको जला देना है अपनी नेगेटिव ऑरा की एनर्जी दूर करने के लिए। दिन होगा मंगल का, मंगल का दिन, मंगल का ट्यूजडे का दिन ईशा के बाद, और अगर आपने 3 दिन का अमल करना है तो 3 दिन 505 मरतबा आयत करीमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अगरबत्तियों की तादाद होगी 7 अगरबत्तियों के ऊपर पढ़ के फूंक मार के जला देना है, और अगर आपने करना है 11 दिन का अमल तो 11 दिन का अमल की भी अपनी पावर है, 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़नी है, रोजाना 2 अगरबत्तियां लेनी है, फूंक मार के उनको 11 दिन जला देनी है, आपका नेगेटिव ऑरा कटेगा, आपका बद असरात कटेंगे, आपके जादू के असरात, आपके शैतानी असरात, लेकिन शर्त यह है कि जो लोग ये अमल करें वो कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, कमेंट्स में जो इजाजत का लिखा करें ताकि ये अमल इनकी नेगेटिव एनर्जी को काट दे, और बड़ा पॉजिटिव ये है अमल, बहुत बड़ी करना किस टाइम पे ईशा के बाद, ईशा के बाद मंगल का दिन, मंगल का दिन, तीन अमल, या 1 दिन का अमल है 1100 मरतबा आयत करीमा, और दूसरा अमल करना है 505 मरतबा आयत करीमा 3 दिन का, और अगर 11 दिन का करना है तो 100 मरतबा 2 अगरबत्तियों पे, वैसे भी इसकी इसमें ऑरा यही रखना है अपना, अपनी एनर्जी यही रखनी है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी कट रही है, बाद असरात दूर हो रहे हैं, रिश्तों की रुकावटें और शादी के रुकावटें, पैसों की बंदिश, हर तरह की नेगेटिविटी कट रही है, बड़ा अमल है। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन दाऊद जी दाऊद हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बड़ा अच्छा हमें, अब मैं बताते भी हूँ जो जो चीज़ प्लैनेट्स के हवाले से हो या अल्फाबेटिकल ये चीज़ें अगर हो रही हो तो हमें फौरी तौर पे ये अपडेट देते हैं, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस तरह के टॉपिक्स में आगे भी लाता रहूंगा, जो प्लैनेट्स की पोजीशन बदलेगी या अल्फाबेट्स को प्रॉब्लम आएगी उसका हल भी बताएंगे, ताकि आप लोग बड़ी मुश्किलात से पहले से बच सकें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।